को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन। हेलो 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 नूर हसन, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल व करम है। यार मेरा फोन ही नहीं उठाती हो, क्यों? यार बदतमीज लोगों से बात करना बंद कर दिया है। अच्छा, जिसका आप जवाब नहीं दे सकोगे, जिस जो आपको कुछ आएगा नहीं, तो वो बदतमीज हो जाता है ना। दुनिया देवंदियत में कोई ऐसा देवंदी पैदा नहीं हुआ जो हाँ हाँ हा, लेकिन मैं भी बड़े फखर से कहता हूँ, रजा खानियत ने अभी कोई ऐसा हलाली बेटा नहीं जाना जो इमरान की बातों का जवाब दे। देखो शुरू से याद करने लगा बदतमीज। ये तो आपने की ना, फिर उसका जवाब तो देना मुझे। अच्छा आपने, मैंने आपको कहा था फिर अकीदे की तारीफ करने के लिए, याद हो गई होगी आपको, फिर करें अकीदे की तारीफ। अरे अकीदा मिला कहाँ से, अकीदा है क्या, ये तो बता। यही तो कह रहा हूँ मैं आपको, आप अकीदे पर बात करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता था कि अकीदे पर बात करने का हक सिर्फ मुतकल्लिमीन को है? सिर्फ मुतकल्लिमीन जो होते हैं वो बात कर सकते हैं अकीदे पर, मुतकल्लिमीन के अलावा अकीदे पर कोई बात करने का हक नहीं रखता। आपको अकीदे की तारीफ भी नहीं आती तो आप अकीदे पर बात करने के लिए कैसे उठ के चले आते हैं? मुझे तारीफ नहीं आती तो बोलना किस अकीदे पर? हाजरत हाजरत जी, जैसे वो अकीदे पर बात करना चाहते हैं तो इनको पहले पूछो कि शरीयत का उसूल इनको मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस को मैं उसूलों की किताबें पढ़ाता हूँ। बताए बताए शरीयत। अच्छा मुफ्ती है के मौलवी है? हाँ मौलवी है। और मैं जो कुछ भी हूँ तू क्या मानता है मुझे, मुफ्ती मानते हैं कि मौलवी? मैं तो गधा मानता हूँ सारे। जब तू मुझे गधा मानता है, जब तू मुझे गधा मानता है तो फिर मुझे पूछते क्यों है? अरे भाई इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तू देवबंदियों के लिए खाली एक आम इंसान है कि मुफ्ती है कि मौलवी है, कौन है? अरे मैं जो भी हूँ तू अकीदे की तारीफ कर, तू चल अकीदे की तारीफ कर, चल अकीदे की तारीफ कर, चल जल्दी कर। फिर वही बात नहीं, अभी तो फोन काट के भागेगा नूर हसन, फिर तो मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे पता है। तो अकीदे की तारीफ कर जल्दी कर। हजरत मैंने कुछ, हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कुरान से मैं काफिर साबित करूँ, वो अभी नहीं करना है। कुरान से काफिर साबित करने आया? अबे नूर हसन इसी को बात करने दे जरा यार, तेरी तो मैं धुलाई कर चुका हूँ, इसको आने दे जरा। मानता है कि नहीं पहले ये बता। अच्छा जो इल्मे गैब को नहीं मानता वो आपके नजदीक कैसा है? मैं तुझको बता, काफिर है, काफिर है। कुरान कह रहा है। अच्छा कुरान कह रहा है जो इल्मे गैब को ना माने वो काफिर है। मुझे कहानियाँ नहीं सुननी है, कुरान की आयत पढ़ो। कुरानी कहानी सुना रहे हो? कहानी कुरान की आयत पढ़ो रजा खानी, कुरान की आयत पढ़। अगर तूने माँ का दूध पिया है, चल कुरान की आयत पढ़ जल्दी कर। और कुरान की आयत पढ़, कुरान की आयत पढ़ जिसमें ये लिखा है कि जो इल्मे गैब को ना माने वो काफिर है। क्या 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 क्या? अच्छा इसका ये मतलब है कि जो इल्मे गैब ना माने तो वो काफिर है? अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और रजा खानी गदो, तुमने इब्ने कसीर को भी काफिर कह दिया। और रजा खानी गदो, तुमने तमाम हनफियों को काफिर कह दिया। और रजा खानी आल नसल के कुत्तो, तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। सहाबा ने इल्मे गैब नहीं माना, तुम्हारे फतवे से सहाबा भी नऊज़ुबिल्लाह काफिर हो गए। तुम्हारे फतवे से इब्ने कसीर, अल्लामा नववी, इमाम अपने वो क्या बोलते हैं इसमें, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अली, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अली, और इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अली, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अली, और तुम्हारा रजा खान कमीना भी, मौलाना यार खान नईमी भी, सारे तुम्हारे फतवे से काफिर हो गए। हाँ हाँ हाँ, जहाँ तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है ना, वो तुम्हें जाहिल मिलता है नूर हसन। कयामत की सुबह तक कोई रजा खानी ने आए तो किसी माँ का लाल, अभी रजा खानी ने किसी हलाली बेटे को जन्म ही नहीं दिया कि मेरे सवाल का जवाब दे। और शैतान पढ़ाता
किसी रजा खानी माँ ने अभी तक किसी रजा खानी हलाली बच्चे को जन्म नहीं दिया कि वो इमरान कश्मीरी से बात करे। नूर हसन रजा खानी, तूने 3 महीने के बाद मेरा फोन अटेंड किया है, तू मुझसे भागता है। तो फिर रिजवी मेरे से जूते खाकर चला गया। नूर हसन तू भी और तेरा तमाम रजा खानी भी जाएंगे और तुम कयामत की सुबह तक मुझसे बात नहीं करोगे। नऊज़ बिल्लाह, तुमने जो फतवा लगाया है और तुमने झूठ बोला है, अल्लाह की लानत हो तुम पर। खबीसों को इतनी शर्म नहीं आती है? तुमने कहा कि जो इल्मे गैब को नहीं माने वो काफिर है। क्या सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब को माना है इस आयत से? नऊज़ बिल्लाह, कितने बड़े झूठे मक्कार हो तुम। क्या मुहद्दिसीन ने माना है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, इन तमाम ने इल्मे गैब को माना हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत से। तुम कितने बड़े खबीस मनहूस और चोर हो, एक नंबर के गधे हो तुम। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। नूर हसन तू एक रक्षा ड्राइवर है, तुझे रक्षा चलाना नहीं आता है। और बेशरम कहीं का तू आता है इधर अकायद गुफ्तगू करने के लिए। अबे अकायद गुफ्तगू करना मुतकल्लिमीन का काम है और एक रक्षा ड्राइवर किसे करेगा बात?